हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट? आज हम डिस्कस करेंगे अपना ACCA SBR का नया चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट कई लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा चैप्टर है, बट रियल में इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। कंसोलिडेशन से छोटा ही यह चैप्टर है ना। जैसे कंसोलिडेशन में अपन को मोर देन 60 क्लासेस लग गई, बट इतनी क्लासेस यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है ना। और थोड़ा छोटा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। तो और घबराने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जो अपन डिस्कस करेंगे क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे एक पार्टी की फाइनेंशियल असेट्स बनती है एंड दूसरी पार्टी की फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनती है या फिर इक्विटी होती है, ठीक है। क्या बोलना चाहता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक एक एंटिटी की या तो फाइनेंशियल असेट्स बनाता है या फिर वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी, ये कहना चाहता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? एक पार्टी की तो फाइनेंशियल असेट्स होगी और दूसरी पार्टी की या तो वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगी या फिर इक्विटी होगी। जैसे मान लो आपने कैश कैश है, ठीक है ना, कैश एक फाइनेंशियल असेट्स होता है, ठीक है। बट क्या किसी की फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी होता है? सोच के देखो, कैश किसकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी होता है? कैश किसी की लाइबिलिटी होता है? आपके पास जो कैश रखा है वो किसी की लाइबिलिटी है? बिल्कुल है। जैसे इंडिया में आरबीआई है तो आरबीआई की लाइबिलिटी है कैश, ऐसे यूएस में फेडरल बैंक है तो फेडरल बैंक की लाइबिलिटी है कैश, ठीक है। आपको पता होगा कि जब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, तो उस टाइम पे सारा कैश वापस ले लिया, ठीक है। और आरबीआई ने फिर नए नोट उसकी जगह लोगों को इशू करे, तो वो क्या था, क्यों इशू करे? क्योंकि आरबीआई की वो लाइबिलिटी है, ठीक है ना, जो नोट्स अभी मार्केट में घूम रहे हैं वो। ऐसे ही हमारी बुक्स में जो डेटर्स आते हैं, हमने किसी को उधार में गुड्स बेचा तो दूसरे पर्सन के लिए वो क्या है? क्रेडिटर्स। तो ये अगेन क्या हुआ? फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ऐसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज करे रिलायंस कंपनी के शेयर्स में, रिलायंस शेयर्स परचेज कर लिए मैंने ना, तो मेरे लिए क्या बन गई वो रिलायंस का शेयर? फाइनेंशियल असेट्स बन गई। और रिलायंस कंपनी के लिए वो क्या है? इक्विटी। क्योंकि अब रिलायंस कंपनी के लिए लाइबिलिटी थोड़ी है, शेयर्स इशू करना क्या होता है? इक्विटी का पार्ट होता है, ठीक है। तो समझ में आया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है? इज एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू फाइनेंशियल असेट्स ऑफ वन एंटिटी एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। इसमें एक मेजर पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, ठीक है, मतलब जो लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा जिसको एनफोर्स कराया जा सके, ठीक है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं अपन। फिर अपन डिस्कस करते हैं सर, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होता है? देखो, मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। पहले क्या होता था कि सीधा अपन ने डेट देखा, डिबेंचर देखे, हमने क्या बोल दिया? डिबेंचर डेप्ट होता है। हमने इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर देखे, इक्विटी शेयर में तो चलो कोई डाउट नहीं है, प्रेफरेंस शेयर देखे, हमने बोला प्रेफरेंस शेयर क्या होती है? कैपिटल। तो कैपिटल क्या होती है? इक्विटी होती है। हम डायरेक्टली ये बोल देते थे, ठीक है, कि कोई भी लोन है या डिबेंचर्स है वो डेट है और प्रेफरेंस शेयर जो वो है इक्विटी है। इसी तरीके से कंपनी अपनी डेट और इक्विटी के अंदर दिखाती थी, क्लासीफाई करती थी बैलेंस शीट्स के अंदर। फिर अब ये जब स्टैंडर्ड आया, ठीक है, IFRS 9 मेनली है इसके ऊपर जो अप्लाई होता है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जो अकाउंटिंग बताता है, अकाउंटिंग जो बता रहा है, और IAS 32 जो बेसिकली डेफिनेशंस बताता है सब चीजों की, जैसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होती है, फाइनेंशियल असेट्स क्या होती है, इक्विटी क्या होता है, ये डेफिनेशंस बताने का काम मेनली कौन कर रहा है? IAS 32, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पूरी गेम को ही चेंज कर दिया,
मीन्स आप कह सकते हो कि अकाउंट्स जो है वो अब अकाउंट्स जो है काफी चेंज हो गई इस वजह से, इस पर्टिकुलरली इस वजह से, इस स्टैंडर्ड की वजह से। हम लोग जो बचपन में डिबेंचर इशू की या प्रेफरेंस शेयर इशू की अकाउंटिंग करते थे, लोन्स लेने की अकाउंटिंग करते थे, आज उसमें बहुत ही ज्यादा फर्क आ गया है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, छोटा मोटा नहीं। पहली बात तो डेफिनेशंस की वजह से चेंज आ गया कि अब कौन सी चीज डेट होगी और कौन सी चीज इक्विटी होगी, ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल इशू हो गया अब। ठीक है, अब सीधा आप डायरेक्टली नहीं कह सकते देखते ही कि ये डेट है, ये इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर है तो इक्विटी है और डिबेंचर्स है तो डेट है, नहीं कह सकते। आपको उसके अंदर झांक के देखना पड़ेगा, अंदर घुस के देखना पड़ेगा कि रियल में डेट है या इक्विटी है। उसके लिए डेफिनेशंस दे रखी जो अपन अभी पढ़ेंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा सर, अगर हम किसी चीज को डेट या इक्विटी माने या नहीं माने, क्या फर्क पड़ेगा? मैंने डेट को इक्विटी मान लिया, इक्विटी को डेट मान लिया, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क कैसे नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आपके डेट इक्विटी रेशो चेंज हो जाएंगे, आपके डेट इक्विटी रेशो चेंज हो जाएंगे, आपकी गियरिंग चेंज हो जाएगी। गियरिंग मतलब फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल, वेरिएबल कॉस्ट वाली कैपिटल, आप लोग एफएम में फॉर्मूला पढ़ते होंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें चेंज हो जाएगी। इससे क्या है, आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसमें भी फर्क आ सकता है। आप उठा के जो भी डेट होने वाले ट्रांजैक्शन थे उसको इक्विटी बना दिया आपने, तो क्या हुआ, आपका डेट इक्विटी रेशियो थोड़ा अच्छा हो गया, इम्प्रूव हो गया। लोगों को लगेगा आपके पास डेट कम है, इक्विटी ज्यादा है, मींस कंपनी जो है वो आगे अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी में लीवरेज कम है, तो इसका मतलब इसको लोन दे दो। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो डेट और इक्विटी के अंदर चेंज होने से बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। अपन मार्केट में लोन्स लेते हैं, इवन क्रेडिट रेटिंग में भी फर्क आ जाता है, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में भी डिफरेंस आ जाएगा। कोई कंपनी अगर बहुत ज्यादा लोन होगा तो वो इवो ओवर लीवर्ड कंपनी होगी। आपको पता है डेट को लीवरेज भी बोलते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज। तो बेसिकली ये फाइनेंशियल लीवरेज भी बोलते हैं इसको, जब डेप्ट ज्यादा होता है तो इसलिए क्या है, सही क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। तो पहले तो क्लासिफिकेशन में इशू आया, और दूसरा पॉइंट आया अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या चेंज किया, अकाउंटिंग में प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट ले आए। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था एफएम का, पीवी निकालने का, जैसे हमने बाकी पीछे चैप्टर्स में भी पढ़ा पीवी निकाली अलग अलग जगहों पे, तो वैसे यहाँ पे भी पीवी निकालने का कॉन्सेप्ट आ गया। तो दो चीजों की वजह से इस चैप्टर में डिफरेंस आ गया अकाउंटिंग का। ठीक है, अभी ये जो IFRS आया है ये केवल अभी CA फाइनल में इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, जो इंडिया ने है, इंडेस बनाए हैं, आपको पता है इंडेस बन गए हैं, बिल्कुल सेम है IFRS की तरह। ठीक है, केवल 7-8 जगहों पे डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, तो अभी तक केवल CA फाइनल में चेंज किया है, बाद में धीरे 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 आगे जाके चेंज होंगे, तो वो CA इंटर में चेंज होगा, फिर ग्रेजुएशन की अकाउंटिंग में भी चेंज आएगा, फिर 11th 12th की अकाउंटिंग में भी चेंज आएगा इसकी वजह से। क्योंकि अगर आपको याद हो तो डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर का ट्रीटमेंट, चाहे वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर हो या इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर हो या इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये 12th से चालू हो जाते थे चैप्टर्स। ठीक है ना, तो इसलिए इन सब में भी चेंजेस आएंगे अभी, बट अभी आना बाकी है। क्लियर, तो चलो अपन तो स्टार्ट करते हैं। अपने लिए तो सारे चेंज आ चुके हैं और चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी से अपन चालू करते हैं। फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होता है, बिल्कुल डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से ही आपको आंसर देना है एग्जाम में। फाइनेंशियल लाइबिलिटी मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल असेट्स टू अनदर एंटिटी। तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, सबसे पहले अपन यही डिस्कस करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश किस केस में होता है, बताओ किस केस में होता है? जैसे हमारे क्रेडिटर्स हैं, अब हमने गुड्स परचेज करे उधार में, ठीक है, तो उनको हमें पे करना है। हमने कोई लोन लिया, हमने कोई डिबेंचर इशू करे जिसको हमें रिडीम करना है, मैंडेटरी है, रिडीम करना ही है, रिडीमेबल इन कैश, ठीक है, डिबेंचर रिडीमेबल है, प्रेफरेंस शेयर्स जो है रिडीमेबल है, पक्का रिडीम करना ही है,
इन कैश, भाई कैश में रिडीम करना है, शेयर्स में करेंगे तो आगे पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। एग्जाम्पल डिस्कस करें अपन ने, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर अनदर फाइनेंशियल असेट्स टू अनदर एंटिटी, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई दूसरी फाइनेंशियल असेट्स डिलीवर करनी पड़े, जैसे अब देखो इसका कोई प्रैक्टिकल रिलेवेंस तो नहीं है, ना एग्जाम में कोई रिलेवेंस है, बट फिर भी एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने ना गुड्स परचेस करे उधार, तो हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। मैंने कहा क्रेडिटर से, मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, मैं तुम्हें रिलायंस के शेयर दे दूंगा, रिलायंस कंपनी के शेयर दे दूंगा मेरे पास रखे हैं, या रिलायंस कंपनी के डिबेंचर दे दूंगा तुम्हें। तो क्या हुआ, रिलायंस के शेयर्स या रिलायंस के डिबेंचर क्या है, फाइनेंशियल असेट्स है। भाई मैंने खरीद रखे थे रिलायंस के शेयर, रिलायंस के डिबेंचर या किसी भी कंपनी के शेयर डिबेंचर, तो वो क्या है, फाइनेंशियल असेट्स। तो क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर फाइनेंशियल असेट्स टू अनदर एंटिटी, ये भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत नॉर्मल पॉइंट होता है। सेकंड, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद अनदर एंटिटी अंडर द कंडीशन दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये क्या बोलना चाहता है। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद अनदर एंटिटी अंडर द कंडीशन दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल, ये बता रहा है डेरिवेटिव्स की बात। डेरिवेटिव सुनते ही आपके मन में एक, या तो कई लोगों को डर लगता है डेरिवेटिव से, मतलब कई लोगों को लगता है डेरिवेटिव कभी जिंदगी में उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, या फिर कई लोगों को लगता है हाँ ठीक है डेरिवेटिव, हाँ सुना हुआ है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर सुना भी है नहीं सुना क्लास में डिस्कस करेंगे अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद अनदर एंटिटी अंडर द कंडीशन दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल, मतलब जैसे मैं सेकंड पॉइंट का ही एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ना ध्यान समझना, पहले तो बताओ डेरिवेटिव्स क्या होता है। डेरिवेटिव्स मतलब, अगर मैं पहले आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अपनी भाषा में बताऊं, तो एक तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, किसी चीज पे शर्त लगाते हैं, बेटिंग बोलते हैं ना शर्त लगाने को, ठीक है ना, बेट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। अब वो शर्त किसी भी चीज पे हो सकती है, जैसे मान लो शेयर्स पे शर्त लगाते हैं तो वो भी क्या है, डेरिवेटिव है। नहीं समझ में आया, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का पता है आपको शेयर अभी जो चल रहा है वो 2700 का चल रहा है, मेरी बात मान लो कि आज जो शेयर की प्राइस है वो 2700 है, ठीक है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने बोल दिया इतना है, ये टुडे की प्राइस है। अब आप और मैं, हम दोनों ने मिलके ना बैठे एक दिन, कभी बात बात कर रहे थे, ठीक है, तो मैंने बोला कि यार ये रिलायंस का शेयर है ना, ये तो दम नहीं रहा इसमें पहले जैसा, अब ज्यादा इसके बढ़ने के चांसेस नहीं है, तो तुम देखना कि एक साल बाद भी ये शेयर बढ़ेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3000 तक पहुंचेगा, एक साल, ठीक एक साल बाद ये शेयर ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैं कहता हूँ 2024 तक ये शेयर कितने तक पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा 3000 तक ही पहुंचेगा। आप बोलते हो सर क्या बात कर दी, ये शेयर तो 3000 से बहुत ऊंचा जाएगा, मुझे तो लगता है ये शेयर 5-7 हजार पे जाएगा, 5000 भी हो सकता है, 6000 भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने कहा, मैंने कहा चलो ठीक है शर्त लगा लो, शर्त लगा लो 10,000 रुपये की, या कितने रुपए की भी है ना, तो शर्त लगा लो और देखते हैं कि शेयर बढ़ता या नहीं बढ़ता, ठीक है। अगर बढ़ गया ये शेयर ऑब्वियसली तो आप शर्त जीत जाओगे, 3000 से ज्यादा हो गया तो मैं आपको 10,000 रुपये देने के लिए लाइबल रहूंगा, और अगर ये शेयर जो है यहीं भी पड़ा रहा 2700 2800 3000 से कम रहा एक साल बाद, तो कुल मिला के आप मेरे को पैसे दे देना, ये क्या है, डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव में क्या होता है, डेरिवेटिव पहली बात तो डेरिवेटिव की सबसे अच्छी बात क्या है, फ्यूचर में सेटलमेंट होता है, आज या तो निल इन्वेस्टमेंट होता है या बहुत नॉमिनल सा इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत कम हम लोग आज पैसा खर्च कर रहे हैं, बट सेटलमेंट कब होगी, फ्यूचर में सेटलमेंट होगी, और जिसकी वैल्यू डिराइव है फ्रॉम एनी अंडरलाइंग,
ये डेरिवेटिव का लिटरल मीनिंग होता है। जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हो, सबने डेफिनेशन पढ़ी होगी मेरे हिसाब से, तो आप यही डेफिनेशन पढ़ते हो। निल और नॉमिनल इन्वेस्टमेंट मतलब अपन दोनों ने शर्त लगाई, मैंने और आपने, तो कोई भी आज खर्चा नहीं हुआ, ठीक है ना, बस शर्त लगा के छोड़ दिया। फ्यूचर में सेटलमेंट होगा, फ्यूचर में एक साल बाद सेटलमेंट होगा। ड्राइव फ्रॉम अंडरलाइंग, इस जो कॉन्ट्रैक्ट है अपन दोनों ने क्या किया, शर्त लगाई, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किया। आपने कहा सर कि मुझे तो आप पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो चलो ऐसा करते हैं स्टाम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, स्टाम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तुम मेरे स्टूडेंट हो, जैसे तुम बोलोगे वैसा मैं कर लूंगा। तो अपन दोनों ने मिलकर स्टाम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूं, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट है, अपन दोनों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ये किसी ना किसी अंडरलाइंग पे डिपेंड कर रही है। व्हाट इज अंडरलाइंग, अंडरलाइंग मींस जो यहां पे अंडरलाइंग क्या है, शेयर ऑफ रिलायंस। अब मैं जब भी टीवी देखता हूं, मैं शेयर का न्यूज चैनल लगाता हूं, शेयर का चैनल सीएनबीसी आवाज खोलता हूं, जी बिजनेस खोलता हूं, ठीक है, और जब भी मैं रिलायंस का शेयर की प्राइस बढ़ते हुए देखता हूं, ठीक है ना, जैसे आज घर गया मैं, फिर कल मैंने शेयर की प्राइस देखी, परसों मैंने शेयर की प्राइस देखी, तो मेरे दिल में एक धक-धक होने लग जाती है। धक-धक कब होती है, जब ये शेयर जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये शेयर जो है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। अभी 2700 था आज, है ना, कल 2800 हो गया, फिर 2900 हो गया, ऐसे धीरे 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 बढ़ रहा है। तो बताओ मुझे डर क्यों लग रहा है, मुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, ये मेरी एक लॉस हो गया मेरा, राइट या रॉन्ग। बिल्कुल सही बात है सर, लॉस हो गया। और मुझे कई बार ऐसा भी होता है कि मैं बिल्कुल खुश हो जाता हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। कब खुशी का ठिकाना नहीं है, जब ये शेयर जो है मार्केट में पिट रहा होता है, पिट रहा होता है मतलब कि मार्केट में शेयर के भाव जो है रेगुलरली गिर रहे होते हैं, 2600 हो गया, 2500 हो गया, तो रेगुलरली ये गिर रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि यार मेरा जो स्टूडेंट है जिसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो तो फंस गया, अब उसको मुझे एक साल मतलब वो मुझे एक साल बाद 10,000 रुपये देगा, तो मेरे लिए तो एकदम बढ़िया सिचुएशन है ये, है या नहीं ये बात। ये होता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव सर फाइनेंशियल लाइबिलिटी कब है, जब वो पोटेंशियली अनफेवरेबल हो जाए तो वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। पोटेंशियली अनफेवरेबल मतलब कि ये जैसे जैसे शेयर के, अब मेरे केस में बात करो, ये मेरे लिए पोटेंशियली अनफेवरेबल कब है कॉन्ट्रैक्ट, जब ये रिलायंस के शेयर के दाम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आज 2700 है, कल 2800 होंगे, फिर 2900, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है शेयर, तो मेरे को डर लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि यार अब 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, ये बिल्कुल क्लियर होते जा रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कि ये पोटेंशियली अनफेवरेबल है। अब मेरे लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी अराइज हुई, कितने की फाइनेंशियल लाइबिलिटी अराइज हुई, 10,000 की जो बैट लगाई थी उसकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी मेरे लिए अराइज होगी। ये होता है डेरिवेटिव का मीनिंग। सर डेरिवेटिव किस किस में कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो, जरूरी थोड़े शेयर में, डॉलर्स में भी कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट पे भी डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट्स पे भी हम सट्टा लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है, शर्तें लगा सकते हैं हम लोग, गोल्ड के भाव, क्रूड ऑयल के भाव जो होते हैं, भाव मतलब रेट, जो क्रूड ऑयल की रेट है, मेटल पे किसी पे, सिल्वर पे या कॉपर पे, इन सब पे हम लोग कोई सट्टे की लिमिट थोड़िया है, हम किसी भी चीज पे लगा सकते हैं। तो डेरिवेटिव जो है मींस हम लोग फ्यूचर में कोई सेटलमेंट करेंगे, आज उसमें निल और जीरो इन्वेस्टमेंट है, निल या नॉमिनल इन्वेस्टमेंट है, और उसकी जो वैल्यू है वो डिराइव होती है अंडरलाइंग से, मींस उसकी वैल्यू चेंज होती रहती होगी, वो किसी ना किसी अंडरलाइंग मतलब जिस चीज पे वो वैल्यू डिपेंड है। जैसे अब मैं आपको एक और एग्जांपल लूंगा ना, ठीक है, आपको शेयर्स वेयर्स में मजा नहीं आया तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एक मेरा इंटरेस्ट है फील्ड के, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत फॉलो करता हूँ, आईआर है ना, ठीक है, आईआर मेरे को बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है, इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं इसे। तो मेरे को लगता है, मेरे को श्योर शॉट लगता है कि यार ये जो चाइना है ना और ये यूएसए है, ये दोनों पक्का बहुत ही जल्दी इनके बीच में युद्ध होने वाला है,
ठीक है, और इस वजह से क्या होगा देखना तुम, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, क्योंकि चाइना की साइड आ जाएगा रशिया, ठीक है, और पाकिस्तान और ईरान भी घुस जाएगा, ठीक है, यूएसए की साइड आ जाएगा, जापान ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये सब चीजें आ जाएगी, है ना। तो ऐसा लगता है मेरे को कि यार 2025 तक है ना इनके बीच में वॉर होगी, ठीक है। आप मेरे साथ एक दिन बैठे थे तो आपने बोला सर ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाली, ठीक है, ये तो केवल ऐसे दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है ना, कभी भी इतनी ज्यादा एस्कलेशन नहीं होगी कि वर्ल्ड वॉर हो जाए। मैंने कहा नहीं नहीं स्टूडेंट, मेरे को तो लगता है बिल्कुल वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। तो आपने कहा चलो सर लगाते हैं, बैट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 लाख रुपए की बैट लगाते हैं। तो आज हमने बैट लगा दी और हमने कहा कि 2025 के अंदर देखते हैं वर्ल्ड वॉर होगी नहीं होगी, अगर वर्ल्ड वॉर हो गई तो मैं जीत गया, आप मुझे पैसे दे देना 1 लाख रुपए, ठीक है, अगर आप जीत गए वर्ल्ड वॉर नहीं हुई तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा अनुमान तो ये कहता है कि वर्ल्ड वॉर होगी। तो अब ये बताओ ये डेरिवेटिव है या नहीं है, ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने अपन दोनों ने बिल्कुल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, पूरा लिखित में अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या ये डेरिवेटिव है? बिल्कुल है। इसमें आज इन्वेस्टमेंट कितना है, जीरो या ना के बराबर, नील है ना, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट रहा होगा, होगा अभी, तो वो कब होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, अभी तो आप मान के चलो नील इन्वेस्टमेंट है। क्या फ्यूचर डेट में सेटलमेंट होगा? बिल्कुल 2025 में सेटलमेंट होगा। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है किसी अंडरलाइंग पे डिपेंड है? बिल्कुल डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? यूएस चाइना के रिलेशंस पे, वॉर पे डिपेंडेंट है। 2023 आया, 24 आया, ठीक है, 2023 24 के अंदर धीरे धीरे लगता है युद्ध के वातावरण बनते जा रहे हैं, ठीक है, 2023 में एस्केलेशन और बढ़ गया यूएस और चाइना के बीच में, ठीक है, कुछ रशिया ने कुछ करा यूएस को, है ना, प्रोवोक किया, कुछ भी किया, ताइवान का इशू आया, हांगकांग का इशू आया, कुछ भी इशू आया, और हमें लगता है कि अब तो भाई साहब वॉर होने वाला है, मैं अंदर से खुश हो रहा हूँ, ठीक है। मेरे को अब क्या लग रहा है कि 1 लाख रुपए जीतने की उम्मीद है, तो ये डेरिवेटिव नहीं है क्या? ये भी डेरिवेटिव है। तो आपको डेरिवेटिव बहुत दूर जाके सोचने की नहीं है जरूरत, के शेयर्स में और इंटरेस्ट रेट में और जो फ्यूचर ऑप्शन इन सब में ही यही होता है डेरिवेटिव। ये सब भी, ये जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ये भी डेरिवेटिव है। मैंने कहा कि इस साल बारिश बहुत अच्छी होगी, ठीक है, आपने कहा नहीं नहीं सर बिल्कुल सूखा पड़ेगा, कुछ भी बारिश नहीं होगी। हमने कहा चलो लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, बारिश होगी नहीं होगी, सूखा पड़ेगा या फिर क्या है, ये भी डेरिवेटिव है, ठीक है। तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से सोचोगे आपको पता लग जाएगा। तो डेरिवेटिव में क्या फाइनेंशियल लाइबिलिटी अराइज हो सकती है? अपन तो डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी की, बिल्कुल हो सकती है, बट कब होगी? जब मुझे लगेगा कि मैंने अपनी गर्दन इस कॉन्ट्रैक्ट में फंसा ली है, नहीं करना चाहिए था। मेरे को लगा कि यार ये तो युद्ध कर ही नहीं रहे हैं, ये तो बिल्कुल प्यार से काम कर रहे हैं, इनके बीच में तो बिजनेस और बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब मुझे धीरे धीरे क्या लगेगा कि यार ये दोनों युद्ध नहीं कर रहे तो मेरे तो 1 लाख रुपए गए गई, तो अब मेरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद अनदर एंटिटी अंडर द कंडीशन दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल, अनफेवरेबल मतलब कि यहां पे नुकसान है, ठीक है, और पोटेंशियल मतलब क्या है, फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है, एक्सचेंज मतलब कि कुछ ना कुछ फ्यूचर में ही होगा, जो होगा वो फ्यूचर में ही होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एक नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच एंटिटी इज और मे बी ऑब्लाइज टू डिलीवर अ वेरिएबल नंबर ऑफ एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इसका क्या मतलब है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान समझना। आपको पता है स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट थे ये F7 में कवर थे, बट थर्ड पॉइंट F7 में नहीं था, ये केवल SBR में है, ठीक है, अगर आपको याद हो तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो चैप्टर था वो भी वो F7 में भी था, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट उसमें थे बट थर्ड पॉइंट नहीं था। तो अपन अब थर्ड पॉइंट को थोड़ा डिटेल में, मतलब थर्ड पॉइंट को भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं बिल्कुल सारे के सारे पॉइंट ऐसे ही मान के पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा अभी तक, आप बिल्कुल जीरो हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, ठीक है ना, उसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ।
तो एक नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे एंटिटी वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगी और खुद के इक्विटी शेयर्स इशू करेगी। क्या मतलब है इसको मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं। जैसे कन्वर्टेबल इनटू वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एंटिटी देन फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगा। कब? ए लिमिटेड के पास अभी बैलेंस शीट में, ए लिमिटेड की बैलेंस शीट देखी हमने, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज आती है। ए लिमिटेड ने पता है क्या कर रखा है, 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं। ए लिमिटेड ने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर रखे हैं। ये रुपीज, डॉलर्स कुछ भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, एक ही बात है, ठीक है। यहां पे कैलकुलेशंस की बात नहीं हो रही है, यहां पे समझने की बात हो रही है। तो 10 लाख के अमाउंट के डिबेंचर इशू हो रखे कर रखे हैं। ये जो डिबेंचर है ना, ये है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब ध्यान से समझना आप मैं क्या कहना चाहता हूं। और क्या होता है, कंपनी कह रही है कि ये जो कन्वर्ट होंगे डिबेंचर, ये मान लो 2 साल में कन्वर्ट हो जाएंगे या 1 साल में कन्वर्ट हो जाएंगे या कितने भी साल में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 साल 1 साल 3 साल, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। और कितने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे ये नहीं पता, बस ये पता है वर्थ रुपीज 10 लाख के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इन डिबेंचर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी। सर ये क्या मतलब हुआ, हमें तो समझ भी नहीं आया। देखो आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आज 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर रखे हैं, हमारी कंपनी है फाउंडेशन लर्निंग, ठीक है। तो फाउंडेशन लर्निंग ने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर रखे हैं, ठीक है, उसकी बैलेंस शीट में अवेलेबल है। ये डिबेंचर 1 साल बाद कन्वर्ट हो जाएंगे खुद के इक्विटी शेयर्स में। कंपनी बोल रही है, हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसे तो है नहीं देने के लिए, हम डिबेंचर्स के बदले इक्विटी शेयर इशू कर देंगे खुद के। इक्विटी शेयर जो इशू करेंगे, वो इक्विटी शेयर हम ये नहीं बता रहे कि कितनी क्वांटिटी में इशू करेंगे। हमने बोला जो भी उस टाइम पे भाव चल रहा होगा ना, ध्यान सुनना, जो भी उस टाइम पे भाव चल रहा होगा 1 साल बाद, आपको तो उस भाव के हिसाब से 10 लाख रुपए के शेयर्स मिल जाएंगे। आपके 10 लाख के डिबेंचर्स है ना, आपको उस भाव के हिसाब से 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे हमारे। तो आपको लग रहा है कहीं पे कि यहां पे फिक्स नंबर शेयर्स हैं या वेरिएबल नंबर शेयर्स हैं, मुझे बताओ। यहां पे जो शेयर्स इशू होंगे, क्या फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू होंगे कि वेरिएबल नंबर ऑफ इशू इक्विटी शेयर्स इशू होंगे 1 साल बाद, मुझे बताओ। मैं कह रहा हूं कि भाव जो है, जो उस टाइम पे होगा उसके हिसाब से इक्विटी शेयर्स इशू हो जाएंगे आपको, लेकिन 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू हो जाएंगे आपको, चिंता मत करो। आपके 10 लाख का जो डिबेंचर है उसके बदले आपको 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू हो जाएंगे। तो बताओ फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू होंगे या वेरिएबल नंबर? वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू होंगे। क्यों सर? क्योंकि मान लो ये भाव उस टाइम पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 साल बाद पता लगा 100 रुपए का भाव है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है, 10,000 इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। उस टाइम मान लो भाव जो है 120 का चल रहा है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 120, तो 8,333 शेयर्स आपको मिल जाएंगे। मींस नंबर ऑफ शेयर्स मैंने फिक्स नहीं करे, मैंने आपको बस ये बोल दिया कि वर्थ रुपीज इतने रुपए के आपको शेयर्स मिल जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वेरिएबल नंबर इशू करना। देखो क्या लिखा है, नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच एंटिटी इज और मे बी ऑब्लाइज्ड टू डिलीवर अ वेरिएबल नंबर ऑफ एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, मतलब खुद के शेयर्स इशू करेंगे, इक्विटी शेयर इशू करेंगे खुद के, वेरिएबल नंबर। नंबर क्यों वेरी कर रहे हैं? क्योंकि ये डिपेंड करेगा नंबर ऑन मार्केट प्राइस और फेयर वैल्यू एट दैट टाइम। ये एट दैट टाइम मतलब क्या है? एट दैट टाइम मतलब कि उस टाइम जो भी रेट चल रही होगी उसके हिसाब से डिवाइड कर देंगे। सर अगर मान लो मैं पहले से ही बता दूं आपको कि आपको इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना, इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूं इक्विटी शेयर्स मिलेंगे
और मैं आपको बोल देता हूं कि इक्विटी शेयर जो है ना वो 15,000 इक्विटी शेयर ले जाना मुझसे, एक साल बाद आना, और ये जो 10 लाख रुपए के बदले, अपने 10 लाख रुपए के बदले 15,000 इक्विटी शेयर ले जाना, ठीक है। भाव कुछ भी चल रहा हूं, मैं आपको अपने खुद के इक्विटी शेयर 15,000 इशू कर दूंगा, क्वांटिटी, दिस इज क्वांटिटी ऑब्वियसली। बताओ ये फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है, मैंने बता दिया, आज ही बता दिया आपको कि एक साल बाद आपको 15,000 शेयर्स मिलेंगे, क्या ये फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है? बिल्कुल ये फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है। तो ये जो डिबेंचर्स है ना, ये जो डिबेंचर्स हैं, अब ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? इक्विटी बन गया। कितनी गजब की बात कर रहा है ये स्टैंडर्ड। ये बोलता है कि अगर आप वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स इशू करते हो, अमाउंट भाई आज अमाउंट कितना है? 10 लाख रुपए, ठीक है ना। आज 10 लाख रुपए आपने लिया, लोन लिया, और फ्यूचर में जब आप इशू करोगे शेयर्स इस लोन को सेटल करने के लिए, ठीक है, और वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स इशू करोगे, तब तो हम बोलेंगे इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी, और अगर आप फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स इशू करोगे तब हम बोलेंगे इसको इक्विटी। किसको? ये जो आज आपने पैसा लिया है वो। सर ये तो बड़ी गजब की बात हो गई, आपने डिबेंचर को ही इक्विटी करार दे दिया। बिल्कुल ये स्टैंडर्ड है ही ऐसा, ये स्टैंडर्ड जो है, यही तो हम कह रहे थे कि ये स्टैंडर्ड जो है सब चीजें चेंज कर दी इसने पूरी की पूरी। क्लियर हो रहा है? सर ऐसा करेंगे क्यों? लेकिन आपने इसको वेरिएबल नंबर को फाइनेंशियल लायबिलिटी मान दिया और फिक्स नंबर को इक्विटी मान रहे हो, ऐसा क्यों? इसके पीछे थोड़ा सा तो लॉजिक दो। देखो लॉजिक ये है, हमने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे, ध्यान सुनना, और मैंने बोला एक साल बाद आप 10 लाख रुपए के मुझसे इक्विटी शेयर ले जाना, मेरे जो भी भाव चल रहा होगा मैं तो आपको 10 लाख रुपए के अपने इक्विटी शेयर इशू कर दूंगा, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि आप चाहे कैश लो या शेयर्स लो एक ही बात है? सोच के देखो ध्यान से, आपको नहीं लग रहा कि मैं शेयर्स आपको एक करेंसी की तरह इशू कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि आपको, वेरिएबल नंबर की बात चल रही है ना, ध्यान रखना, मैं आपको बोल रहा हूं कि 10 लाख रुपए के शेयर्स ले जाना एक साल बाद। तो ये वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स मतलब क्या है? कि मैं आपको 10 लाख रुपए के शेयर्स दे रहा हूं, मतलब मैं आपको एक तरीके से आप कह सकते हो कैश दे रहा हूं, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो कि मैं शेयर्स को ही आपको एक तरीके से करेंसी की फॉर्म में दे रहा हूं, मैं शेयर्स को ही करेंसी मान के दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ध्यान से समझना, ठीक है। कहीं लॉजिक नहीं पूछेगा आपसे, बट फिर भी अगर आपको ध्यान रहे तो अच्छी बात है। और जहां पे फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे वहां पे बोलता है ये इक्विटी है, इक्विटी। सर वैसे एक बार बताओ, थोड़ी सी ब्रॉडर लेवल की हम बात करना चाहते हैं, क्या फर्क पड़ेगा कि हम फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी मान ले? मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी को इक्विटी मान लूं या कि इक्विटी को फाइनेंशियल लायबिलिटी मान लूं, तो क्या दिक्कत है? एक तो मैंने बताया था दिक्कत यह है कि डेब्ट इक्विटी रेशो बदल जाएगा, ठीक, गियरिंग वगैरह में चेंज आ जाएगा। दूसरी दिक्कत यह है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी की अकाउंटिंग अलग होती है और इक्विटी की अकाउंटिंग अलग होती है। अगर थोड़ा बहुत F7 का याद आ रहा है, याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर याद आ रहा है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी को अपन किस पे दिखाते हैं? एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ठीक है ना। ज्यादातर फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है, ज्यादातर फाइनेंशियल लायबिलिटी, मैं कह देता हूं जनरली फाइनेंशियल लायबिलिटी को ना अपन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे दिखाते हैं, बट कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटी को हम FVTPL पे दिखाते हैं, कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब डेरिवेटिव्स को, और वो फाइनेंशियल लायबिलिटी जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, और एक और आएगी अकाउंटिंग मिसमैच करके। बाकी नॉर्मली हम फाइनेंशियल लायबिलिटी को किस पे दिखाते हैं? एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। बट इक्विटी तो इक्विटी है, एक बार इक्विटी के अंदर कोई चीज गई तो उसको रीमेजर करने की झंझट ही नहीं है, कभी रीमेजर ही नहीं होगा, तो अकाउंटिंग में फर्क आ जाता है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखें, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर इतना क्यों जोर दे रहे हो फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी पे, क्या फर्क पड़ेगा? भाई फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, अकाउंटिंग पे फर्क आ जाएगा बहुत ज्यादा। क्लियर हो रहा है? और मैं आज
आज की ही क्लास में आपको ये पूरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी पूरा का पूरा समझा के ही क्लास खत्म करूंगा, उससे पहले खत्म नहीं करूंगा मैं क्लास, और इवन समझाऊंगा ही नहीं, इसके रिलेटेड जो एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना डेफिनेशन से सारे मैंने डाल दिए हैं। वही बात कि मेहनत बहुत लगी पूरे क्वेश्चन से एक जगह पे इकट्ठे करने में, बट सारे के सारे करके एक जगह पे डाल दिए हैं। ठीक है, तो अभी आपको हैंड टू हैंड आज ही करवा देंगे सारे क्वेश्चंस, तो आपका एग्जाम किट का जो ये वाला जो पोर्शन है डेफिनेशन का कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा कि इक्विटी होगा, वो अपन यहाँ पे आज कवर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में फाइनेंशियल असेट्स की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो दोबारा आते हैं। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, ये तो क्रेडिटर्स वगैरह नॉर्मली हो गया, या फिर कोई दूसरी फाइनेंशियल असेट्स। ये पॉइंट आपको कभी मिलेगा नहीं आपको, है ना, कहीं पे भी। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया बस, ठीक है, ध्यान रखो। सेकंड पॉइंट है डेरिवेटिव से रिलेटेड, जहां पे आपको नुकसान होने की उम्मीद है। ठीक है ना सर, अगर ये नुकसान नहीं होता मुझे फायदा होने की उम्मीद होती तो? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। अगर फायदा होने की उम्मीद होती तब मैं इसको बोलता फाइनेंशियल असेट्स, ना कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच एंटिटी इज ऑब्लाइज और मे बी ऑब्लाइज टू डिलीवर अ वेरिएबल नंबर ऑफ एंटिटी ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। नॉन डेरिवेटिव मतलब सिंपल, जैसे आज हमने डिबेंचर इशू करे, प्रेफरेंस शेयर इशू करे, और उसके बदले हम क्या दे रहे हैं, उसके बदले हम एक साल बाद, दो साल बाद, जब भी है, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर, वो भी खुद के। ठीक है, तब हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी बोलेंगे। अगर हम फिक्स नंबर इशू करते, फिक्स नंबर शेयर इशू करते, तो उसे बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो आपके मन माइंड में ध्यान रहेगा। जैसे मैं आपको देखो ये दो एग्जांपल पढ़ाता हूं, इससे आपको थोड़ा सा और ढंग से समझ में आएगा। कन्वर्टेबल इनटू वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एंटिटी देन फाइनेंशियल लाइबिलिटी, देखते हैं क्या बोल रहा है। ए लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू सेटल इट्स डिबेंचर ऑफ रुपीज 10 लाख बाय इशूइंग इट्स ओन इक्विटी शेयर वर्थ रुपीज 10 लाख आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर किस पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगा, उस समय की फेयर वैल्यू पे। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स, और इसलिए फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगा। ठीक है, अगर कन्वर्टेबल होता फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स में, फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तब कहलाता इक्विटी। ए लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू सेटल इट्स डिबेंचर ऑफ 10 लाख बाय इशू ऑफ 15,000 इक्विटी शेयर्स। मैंने बोल दिया 15,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर फिक्स है तो इसे बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, इसे पता है क्या नाम देते हैं? आप जब बहुत ही ज्यादा मतलब आगे पहुंच जाओगे धीरे 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 धीरे, ठीक है, मतलब आप जब इंडस्ट्रीज में जाओगे, ठीक है, और आप IFRS, आपको ये IFRS करने का मौका मिला, तो वो लोग इसको बोलते हैं फिक्स फॉर फिक्स टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट। फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट क्यों बोला? अब ध्यान समझना, फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट मतलब क्या होता है? क्या है फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट? 10 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, आज हमने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे, ठीक है, और फ्यूचर में हम 15,000 इक्विटी शेयर्स देंगे। आज 10 लाख रुपए का लोन लिया और फ्यूचर में हम 15,000 इक्विटी शेयर्स देंगे, क्या क्या फिक्स है बताओ, क्या क्या फिक्स है? फिक्स कैश, क्या कैश फिक्स है? हाँ, 10 लाख रुपए फिक्स है, ठीक है, 10 लाख के डिबेंचर्स, कैश फिक्स आया है। क्या शेयर्स फिक्स हैं? शेयर्स भी फिक्स हैं, शेयर्स भी फिक्स हैं, 15,000 इक्विटी शेयर, इसको हम बोलते हैं इक्विटी। पहले ये नाम कभी भी बुक्स, स्टडी टेक्स्ट में, एग्जाम किट में यूज नहीं लेते थे ये लोग, बट अब यूज लेने लग गए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। जब भी फिक्स, फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट, अगर आप भी लिखना चाहो लिख सकते हो एग्जाम में, तो आपको एक थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा दूसरे लोगों से, कि आप एक अच्छी रिफाइंड लैंग्वेज लिख रहे हो जो बिल्कुल इस स्टैंडर्ड के टेक्स्ट में लिखी हुई है ना, बेयर टेक्स्ट जब अपन पढ़ते हैं, तो इसे बोलते हैं फिक्स कैश और फिक्स शेयर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि केवल फिक्स फॉर फिक्स याद रख लिया, तो एक तो फिक्स कैश है और एक फिक्स शेयर्स है, तब जाके इक्विटी बनता है। ठीक है, धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ऑब्वियसली तब आपकी जानकारी और बढ़ेगी, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, कोस्टर्स विशेष टू परचेज अ न्यू राइड फॉर इट्स एनिमेशन गैलेक्सी थीम पार्क बट रिक्वायर एक्स्ट्रा फंडिंग। ऑन 30th सितंबर कोस्टर इशूड द फॉलोइंग प्रेफरेंस शेयर। SBR का क्वेश्चन है,
स्टडी टेक्स्ट का प्लान का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो बच्चों के पार्क वगैरह होते हैं ना, ये अम्यूजमेंट पार्क अप्पू घर वगैरह टाइप है ना, तो उसको इसको एक न्यू राइड परचेज करनी है, उसके लिए उसको पैसे चाहिए है ना, इस अमाउंट चाहिए, तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है। जरा ध्यान से देख के बताना, 1 मिलियन प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है फॉर $3 ईच, नो डिविडेंड आर पेबल, डिविडेंड पेबल नहीं है। कोस्टर विल रिडीम द प्रेफरेंस शेयर इन 3 ईयर टाइम बाय इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर वर्थ 3 मिलियन। बताओ क्या है ये, 1 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं आपने, ठीक है ना, आज कितने पैसे आ गए, 3 मिलियन पैसे आ गए, ठीक है, और हम लोग तीन साल बाद एग्जैक्टली इक्विटी शेयर्स इशू कर देंगे वर्थ 3 मिलियन, ठीक है ना, वर्थ $3 मिलियन। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूएबल विल बी बेस्ड ऑन देयर फेयर वैल्यू ऑन 30th September। बोल रहा है कि ये जो शेयर्स की वैल्यू है, कितने शेयर इशू करेंगे वो तो तभी पता लग पाएगा जब अपन को फेयर वैल्यू पता लगेगी 30 September 2006 को, 3 साल बाद की है ना, ये 2003 है, 2006 है। बताओ ये इक्विटी है कि डेट है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है कि ये इक्विटी है। अच्छा ये तो समझ जाओगे ना, डेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी एक ही बात होती है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन मत रखना, तो लाइबिलिटी मतलब डेट ही होता है। चलो अब बताओ ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है कि इक्विटी है, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, क्यों, क्योंकि यहां पे शेयर्स जो होंगे वो वेरिएबल शेयर्स इशू होंगे। वेरिएबल शेयर्स क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स किस पे डिपेंड करेगा, अभी तो बताया ही नहीं नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, फ्यूचर की फेयर वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है, इसलिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो ये जो 1 मिलियन की प्रेफरेंस शेयर्स है ना, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगी। 2 मिलियन प्रेफरेंस शेयर इशूड फॉर 2.28 ईच, नो डिविडेंड आर पेबल, द प्रेफरेंस शेयर विल बी रिडीम इन 2 ईयर टाइम बाय इशूइंग 3 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर। बताओ अब की बार क्या बताया इसने, अब की बार बोल दिया 3 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इशू करेंगे, मीन्स बताओ ये हो गया इक्विटी, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर क्या है, फिक्स्ड, इसे बोलते हैं फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट। अमाउंट फिक्स है 2 मिलियन शेयर्स फॉर 2.8 ईच, और शेयर्स फिक्स है 3 मिलियन शेयर्स, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं इक्विटी। अब आप देख रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उसको मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि इक्विटी है कि लाइबिलिटी है, मैं चेक करके बोल पा रहा हूं, तो बड़ा झंझट है आज की तारीख में प्रेफरेंस शेयर्स को पता लगाने का कि प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इक्विटी है कि लाइबिलिटी है। फोर मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स फॉर 2.5 ईच, दे आर नॉट मैंडेटरी रिडीमेबल, अ डिविडेंड इज पेबल इफ एंड ओनली इफ डिविडेंड आर पेड ऑन द ऑर्डिनरी शेयर्स। ध्यान से सोच के बताओ अच्छे से एकदम, कि यहां पे कोई ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है क्या, देखो जरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ो, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है या कोई अदर फाइनेंशियल असेट्स, नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है 4 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स है, दे आर नॉट मैंडेटरी रिडीमेबल, भाई रिडीमेबल नहीं है, इररिडीमेबल है, ठीक है, और नॉट मैंडेटरी, हमारी इच्छा होगी तो रिडीम करेंगे। तो ध्यान से सुनो, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी का एक क्रिटिकल पॉइंट है। क्या क्रिटिकल पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से सुन लो, अगर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश होती है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, समझ में आया, मतलब हमें ऑब्लिगेशन है, जरूरी है हमारे पार्ट से कि हमें तो पैसा देना ही पड़ेगा, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, और अगर नहीं है तो इक्विटी। तो यहां पे देखो क्या है, नॉट मैंडेटरी रिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल ही नहीं है, तो ये क्या बन गए, इक्विटी बन गए। और डिविडेंड के लिए क्या बोल रहा है कि डिविडेंड तब पे करेंगे जब ऑर्डिनरी शेयर्स पे करेंगे। एक बार बताओ ऑर्डिनरी शेयर्स पे डिविडेंड पे करना जरूरी होता है क्या, नहीं होता, तो क्या इन प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पे करना जरूरी होगा, नहीं होगा। सोच के देखो क्या ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये प्रेफरेंस शेयर इक्विटी बन गए कि नहीं बने, बिल्कुल बन गए हैं, क्यों, क्योंकि
ये बोल रहा है कि इसको हमें रिडीम नहीं करना, नॉट मैंडेटरी रिडीमेबल, ठीक है ना, तो ये इक्विटी है। और दूसरा साइन और क्या पता लग रहा है कि डिविडेंड तभी पे करेंगे जब इक्विटी शेयर्स पे करेंगे। अरे तो डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे जरूरी होता है क्या पे करना? नहीं होता ना, तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या बन गया? इक्विटी बन गया। समझ में आया? तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ये इक्विटी और ये इक्विटी। क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है डिस्कस वेदर दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुड बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी, बताओ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार, है ना। तो आपको ध्यान रखना है अगर जहां पे ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश होती है वही फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, अदरवाइज तो नहीं है, ठीक है। तो यहां पे नॉट मैंडेटरी रिडीमेबल आ गया तो ये इक्विटी बन गया। सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं इसका। देखो पहला पॉइंट है ना, द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी इंक्लूड एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट मे बी सेटल्ड इन द वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स, ओन शेयर्स। Therefore, a contract that requires the entity to deliver as many of the entity own equity instrument equal in the value to a certain amount should be treated as debt, मतलब financial liability. Coaster must redeem the first set of preference share by issuing ordinary share equal to the value of 3 million. The 3 million received from the preference share should be classified as a liability on the statement of financial position. तो ये जो amount था, ये जो हमने discuss किया था कि ये 1 million शेयर इशू करे इसने $3 पे, तो 3 million आए, तो 3 million आए तो अब इसको क्या दिखाना पड़ेगा? 3 million को लाइबिलिटी दिखाना पड़ेगा। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी सेटल्ड बाय इशूइंग बाय द एंटिटी डिलीवरिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इक्विटी, उसको बोलेंगे इक्विटी, ठीक है। तो यहां पे देखो कोस्टर विल रिडीम द सेकेंड प्रेफरेंस शेयर इशू विद द फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। Therefore, the 5.6 million from the second preference share issue should be classified as equity in the balance sheet. तो 5.6 million आए थे बाद में, 2 into 2.8 means कितना आया? 5.6. तो ये 5.6 million को हम क्या बोलेंगे कि ये equity है। Next, 4 million preference share. A financial liability exists if there is a contractual obligation to deliver cash or another financial assets. There is no obligation for Coaster to repay the instrument. Dividend are only payable if they are paid on the ordinary share. There is no obligation to pay dividend on the ordinary share. सही बात है ना? कोई भी obligation नहीं होती ordinary shares पर dividend pay करने की. So there is no obligation to pay dividend on these preference shares. क्योंकि आपने क्या किया? आपने preference shares को प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड इक्विटी शेयर के डिविडेंड पे डिपेंडेंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? इक्विटी शेयर पे ऑब्लिगेशन नहीं होती तो प्रेफरेंस शेयर पे भी नहीं होगी आपके। सो द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इसको हम क्या दिखाएंगे? इक्विटी दिखाएंगे इन द बैलेंस शीट, ठीक है। अब एक और बात करते हैं सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव्स की, ठीक है। सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव्स मतलब क्या होता है कि हम अपने शेयर होल्डर को, ध्यान सुनना, नया पॉइंट है थोड़ा सा, हम अपने शेयर होल्डर को एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। हम उसको बोल रहे हैं कि जो तुमको हो पसंद, जो तुमको हो पसंद मतलब क्या कि या तो तुम शेयर ले लो या फिर तुम कैश ले लो। हम कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या बोल रहे हैं कि तुम हमें आज, मतलब हम तुम्हें पहले शेयर इशू करते हैं आज, और जब भी पेमेंट की बारी आएगी तो या तो तुम उसके बदले शेयर ले लेना या फिर कैश लेना, ठीक है। जैसे मान लो फाउंडेशन लर्निंग ने आज डिबेंचर इशू करे या प्रेफरेंस शेयर इशू करे, ठीक है। तो अपने शेयर होल्डर्स को ये बोल दिया या डिबेंचर होल्डर को बोल दिया कि भाई अब जब इसका सेटलमेंट होगा, मान लो 5 साल बाद ये डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे, तो तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो इस पे कैश भी ले सकते हो और तुम चाहो तो शेयर भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनो, पहला पॉइंट आता है इफ इट इज कन्वर्टेबल इनटू फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और कैश ऑप्शन इज ऑफ द होल्डर देन इट बिकम सीएफआई। सीएफआई क्या होता है? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या मतलब है इस पॉइंट का? मैंने आज 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू करे, ठीक है ना, फाउंडेशन लर्निंग ने 10 लाख रुपए के कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करे,
और हमने क्या बोला कि डिवेंचर कब रिडीम होंगे, ये 2026 में, 2026 ईयर के अंदर। या तो तुम कैश लेना, तुम्हारी मर्जी है, या तुम फिक्स इक्विटी शेयर ले लेना, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन दिए, या तो तुम कैश लेना या फिर फिक्स इक्विटी शेयर लेना। अब एक चीज सुनो ध्यान से, जब भी ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश होता है, जब भी ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश होता है, तब क्या होती है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ध्यान से सोचो, अभी आपने पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ी है फाइनेंशियल लाइबिलिटी की, उसमें पहला एलिमेंट क्या था, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, ठीक है ना। जब भी ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश होता है तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है, और जब भी अगर फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करे जाते हैं, फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करे जाते हैं, है ना, फिक्स कैश के बदले, भाई कैश मैंने आज तुमसे कितने रुपए ले लिए, डिबेंचर्स होल्डर से अपने 10 लाख रुपए ले लिए, ठीक है, मैंने डिबेंचर इशू करे फाउंडेशन लर्निंग ने, 10 लाख रुपए ले लिए, और मैं कह रहा हूं 15,000 इक्विटी शेयर ले लेना, ठीक है, तो ये क्या है, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, फिक्स कैश के बदले, तो ये क्या इशारा कर रहा है, इक्विटी। बट दिक्कत क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों चीजें हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों चीजें हैं, क्या है कि कैश ले लो या फिर शेयर्स ले लो, वो भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने शेयर होल्डर के ऊपर छोड़ दिया, तुम मेरे शेयर होल्डर हो, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, या डिबेंचर होल्डर हो, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तुम जो बोलोगे ना 2026 में वही कर लेंगे। तो इसमें फाइनेंशियल, बताओ ध्यान से सोच के, क्या फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी, क्या फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी दोनों मर्ज हो गए, दोनों मर्ज हो गए, क्या ये दोनों मिलके हाइब्रिड नहीं दिख रहा आपको, या फिर मैं ऐसे नहीं कह सकता कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कंपाउंड मतलब क्या होता है, कंपाउंड मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है ना, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सॉरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। वापस से सोचते हैं, एक बार वापस से सोचो, हुआ क्या कि मैंने या तो डिबेंचर इशू करे या प्रेफरेंस शेयर इशू करे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मानना है मान लो, कन्वर्टेबल है, और कन्वर्ट क्या रिडीम कब होंगे, 2026 में, अभी दूर है टाइम, है ना, कोई सा भी ईयर ले लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कैश ले लेना या फिर इक्विटी शेयर लेना, है ना। कैश लेना मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश मतलब क्या होती है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, पहले पढ़ा था अपन ने। या फिर मैंने कहा फिक्स इक्विटी शेयर ले लेना, 15,000 इक्विटी शेयर ले लेना, बात खत्म, तो ये क्या होता है, ये होता है इक्विटी। आपने पढ़ा अभी, वेरिएबल शेयर्स होते तो, वेरिएबल शेयर्स होते तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी, लेकिन अगर फिक्स शेयर है तो इक्विटी। यहां पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी, क्योंकि कैश देना भी पड़ सकता है और इक्विटी शेयर देने भी पड़ सकते हैं, और मेरी मर्जी नहीं चल रही है, कंपनी की मर्जी नहीं चल रही है, ये तो आप लोगों की मर्जी चल रही है, शेयर होल्डर की मर्जी चल रही है, डिबेंचर होल्डर की मर्जी चल रही है, तो होल्डर इज द किंग, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं CFI, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अपन बाद में पढ़ेंगे, है ना, एक दो क्लास आगे बाद आएगा, ठीक है। उसमें अप्लाई होती है स्प्लिट अकाउंटिंग, स्प्लिट अकाउंटिंग अप्लाई होती है, और उसमें मैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी के एलिमेंट को अलग अलग करता हूं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल लाइबिलिटी को मैं नॉर्मली जो है अमोर्टाइज कॉस्ट पे दिखाता हूं, और इक्विटी को मैं कभी भी रीमेजर नहीं करता, ठीक है ना, ऐसा करते हैं, लेकिन ये बात की बात है, ठीक है ना, मैंने बस आपको हिंट दिया है। सर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ध्यान रखना दो ऑप्शन है, या तो आप कैश ले सकते हो या फिर आप शेयर्स ले सकते हो, ठीक है ना, आपकी मर्जी है, जो आपको लेना है ले लो, ठीक है। तब हम होल्डर के ऑप्शन पे है, क्योंकि तब हम बोलते हैं इसको कि आप ये CFI है सर। लेकिन कुछ अगर सिस्टम अलग होता, अगर ये कन्वर्टेबल होते फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और कैश, लेकिन ऑप्शन जो होता कंपनी का होता, तो ऐसा भी हो सकता है। मैंने बोला मैं फाउंडेशन लर्निंग जो है आज डिबेंचर इशू करता है या प्रेफरेंस शेयर इशू करता है, ठीक है, ध्यान सुनना, और मैंने जो प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर इशू करे, मैंने आप लोगों से 10 लाख रुपए ले लिए, और मैंने कहा देखो
2026 के अंदर कैश दिया जाएगा या फिर इसके बदले इक्विटी शेयर्स इशू करे जाएंगे, ये मर्जी चलेगी मेरी फाउंडेशन लर्निंग की। समझे मेरी बात को, ये मेरा ऑप्शन है, आप इसमें ना अनुकूल नहीं कर सकते, आपको तो लेना ही पड़ेगा जो मैंने कहा, वो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तो पता है इस केस में क्या करते हैं, अब इसको सीएफआई नहीं बोल सकते, अब इसको सीएफआई नहीं बोल सकते। अब इसमें क्या करेंगे, हमें चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन इन द मनी है कि ये आउट ऑफ द मनी है। सर ये बड़ा खतरनाक टर्म बता दिया आपने, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, इसका क्या मतलब हुआ? इन द मनी मतलब कि मेरे को अगर शेयर इशू करना बेटर है तो उसे बोलेंगे इन द मनी, और अगर शेयर इशू करना बेटर नहीं है, कैश देना बेटर है, तो उसे बोलेंगे आउट ऑफ द मनी। ये क्या बात हुई सर? देखो भाई ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि डिबेंचर इशू कर दिए 10 लाख रुपए के आज, ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया तुम्हें कि तुम्हें कैश दूंगा ना मैं, कैश तो कैश दूंगा वो सपोज जो है 12 लाख रुपए दूंगा, सपोज मैंने बोल दिया 12 लाख का कैश दूंगा, कितने साल बाद दूंगा, 2026 में दे दूंगा, या फिर मैं तुम्हें फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दूंगा, ये भी मैंने तुम्हें आज ही बता दिया, ठीक है, और मैंने कहा ये जो इक्विटी शेयर दूंगा वो मैं तुम्हें दूंगा सपोज 1 लाख इक्विटी शेयर दूंगा। अब ध्यान से, ठीक है, 12 लाख रुपए कैश दूंगा या फिर मैं तुम्हें 1 लाख इक्विटी शेयर दूंगा, लेकिन ये मर्जी किसकी है? मेरी। मैं अभी ये चीज बता रहा हूं तुम्हें, लेकिन ये डिसाइड उस टाइम पे मैं करूंगा कि मैं तुम्हें शेयर दूंगा कि कैश दूंगा। हाँ ये फिक्स है कि अगर कैश दूंगा तो 12 लाख कैश दूंगा और शेयर दूंगा तो 1 लाख इक्विटी शेयर दूंगा। अब क्या हुआ, 2026 आया, ठीक है ना, जो कंडीशंस बनी उस टाइम की परिस्थिति बनी है ना, उसमें फाउंडेशन लर्निंग का जो एक शेयर है वो 14 रुपए का है, ध्यान सुनना। तो फाउंडेशन लर्निंग की पूरे शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 14 लाख इक्विटी शेयर्स की वैल्यू। अब मैं क्या सोच रहा हूं बैठे बैठे, ठीक है, अब आप बता देना, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही। अब मैं क्या सोच रहा हूं बैठे बैठे कि ये जो मेरे डिबेंचर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, जिनसे मैंने पहले वादा किया था कि मैं 2026 में इनको कैश या फिर इनको जो है खुद के इक्विटी शेयर्स दूंगा, अब वो घड़ी आ गई है, ठीक है ना, और मैंने चेक किया, पता किया कि अपने मेरे शेयर की जो वैल्यू चल रही है वो 14 लाख चल रही है, ठीक है ना, एक शेयर की वैल्यू 14 है और 1 लाख शेयर देने पड़े तो 14 लाख के, और अगर कैश आपको देना पड़ा तो मुझे केवल कैश, जैसे हमने एग्री किया था, 12 लाख ही कैश देना पड़ेगा। बताओ मेरे लिए कौन सा ऑप्शन फायदेमंद है? मेरे लिए क्या शेयर इशू करना बेटर है? शेयर में मुझे कितने रुपए लगेंगे? 14 लाख। क्या मेरे लिए कैश देना बेटर है? क्योंकि कैश में मेरे को कितने देने पड़ेंगे? 12 लाख। बताओ, ऑब्वियसली हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, मैं कम से कम पेमेंट करूंगा आपको या ज्यादा से ज्यादा? मेरी इच्छा भाई, मेरे ऑप्शन है, मेरा ऑप्शन है तो मैं तो दू ही नहीं हूं आपको पेमेंट, अगर ऑप्शन मेरा है तो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो मुझे कितना देना पड़ेगा? 12 लाख ही देना पड़ेगा आपको। तो इसे बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, कैश देना पड़ेगा, इसलिए क्या बन जाएगा? फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ठीक है। बट ये चीज डिसाइड कब करनी पड़ती है? स्टार्टिंग में डिसाइड करनी पड़ती है, ठीक है। तो मुझे एक्सपेक्टेशन लेनी पड़ेगी कि मेरे शेयर जो है 2026 में, जैसे मैंने अभी बोला कि भाई उस टाइम पे क्या होगा, क्योंकि डिसाइड तो आज करना है भाई, ये प्रेफरेंस शेयर और ये मैंने डिवेंचर तो आज इशू करे हैं 10 लाख रुपए के, ठीक है, तो मुझे डिसाइड आज करना है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि चलो 12 लाख रुपए कैश देना है या फिर मेरे शेयर की वैल्यू उस टाइम मेरे को एक्सपेक्टेशन लगानी पड़ेगी कि 14 रुपए होगी तो 14 लाख तो ज्यादा बेटर रहेगा, चलो इनको कैश दे देंगे, तो आउट ऑफ द मनी। तो कैश है तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी, शेयर है तो इक्विटी, आया समझ में? ठीक है, ये पहले डिसाइड करना पड़ता है। सर क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं क्या? आए हुए हैं, बिल्कुल आए हुए हैं, मैं आपको भी दिखा भी दूंगा, ठीक है ना,
और ये वाला तो क्वेश्चन लेटेस्ट आया है, ज्यादा पहले नहीं आया, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इवन सब पे क्वेश्चन आए जितने अपन ने पॉइंट पढ़े हैं उतने सब पे, ठीक है ना। बस ये देखते हैं कि आप लोग कितना आप कर पाते हैं। चलो आ गई।